हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मशीन पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं रिगार्डिंग स्टार्टर मोटर। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पे स्टार्टर मोटर का डायग्राम दिखाया गया है और इसमें सारे पार्ट्स जो स्टार्टर मोटर में है वो यहां पे दिखाए गए हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ पार्ट्स हम लोगों ने डिसमेंटल कर लिया है और कुछ अभी बाकी है। जैसे कि अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वाले हाउसिंग को निकाल लिया है, देखिए। और यह है आर्मेचर, देखिए कितना गंदा है ये। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ही डस्ट आ चुका है। ये आर्मेचर तभी निकलेगा जब हमें ये स्क्रू निकाल लेंगे। वो क्लच की लीवर जो है उसके स्क्रू को निकालना ज़रूरी है, तभी ये आर्मेचर बाहर आएगा। देखिए, ये स्क्रू को आसानी से स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए इस स्क्रू को बाहर ले लेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ ये स्क्रू कैसा होता है। देखिए, यह है स्क्रू जो लीवर को होल्ड करके रखता है अंदर। देखिए, यह हमारा आर्मेचर बाहर आ गया है। यह आर्मेचर के साथ बेंटेक्स है और ड्राइव पिनियन है। देखिए, यह है सामने ड्राइव पिनियन जो फ्लाईव्हील को ड्राइव देती है। यह भी पिनियन सही है, मैक्सिमम में ये पिनियन वर्न आउट हो जाती है जिसके वजह से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। और देखिए, इसकी जो बॉडी है उसमें कितना डस्ट है ये आप देखिए। मैं भी दिखाता हूँ ये कितना डस्ट है इसके अंदर। यह है इसकी बॉडी जो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, ये फ्री है या नहीं। देखिए कितना डस्ट है इसके अंदर, ये देखिए, जिसके वजह से हम लोगों ने इस स्टार्टर मोटर को निकाला है और डिसमेंटल करके क्लीन कर रहे हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड वाली कॉइल जो है उसमें भी काफ़ी ही डस्ट है। और यह है प्लंजर, ये सोलेनोइड की प्लंजर है। और यह है उसकी लीवर जिससे बेंटेक्स को मोमेंट मिलता है। तो सोलेनोइड जैसे ही एनराइज्ड होता है वो हमारा लीवर पुश करता है बेंटेक्स को, और ये हमारा टॉप, ये जो पिनियन है ये मिस कर जाती है आगे जाके फ्लाईव्हील को और इंजन को रोटेट करके। जैसे ही डिसकनेक्ट होती है सोलेनोइड की कनेक्शन, ये वापिस अपने प्लेस में आ जाती है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने कार्बन को क्लीन कर लेनी है। इसमें टोटल 4 कार्बन ब्रशेस हैं। देखिए, ये कार्बन ब्रशेस के होल्डिंग प्लेट है जहाँ पे कार्बन ब्रश को हम लोग माउंट करते हैं। 2 ऑलरेडी इसमें माउंट किया हुआ है। और ये इसकी लीवर है जिससे हमारी बेंटेक्स को आगे और पीछे करने में मदद मिलती है। ये हमारा मैग्नेटिक कॉइल वाली हाउसिंग है। अभी हम लोगों को अच्छी से ग्रीस कर लेनी है मूवेबल प्लेसेस में। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने कुछ ऑयल को भी यूज़ किया है इसमें, ताकि हमारा जो रोटेटिंग पार्ट्स है वो आसानी से रोटेट हो सके विदाउट रिस्ट्रिक्शन। और जैसे कि लीवर में भी हम लोगों ने ग्रीस डाल रखा है। देखिए, अब हमें इस आर्मेचर को असेंबल करनी है। हमने इस स्टार्टर मोटर को खोल के क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद इसे वापस हम लोग रीबिल्ड करेंगे और इसे उस गाड़ी में फिट कर देंगे जहाँ से हम लोगों ने खोला है। तो जैसे कि देखिए, हम लोगों ने उसकी क्लच की लीवर को उसके अंदर डालने के बाद, वो बेंटेक्स में डालने के बाद, इसे इसकी हाउसिंग में हम लोग इसे डाल लेंगे। जैसे ही ये इसकी ग्रूव मेस करेगी वो ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पे सीटिंग एरिया पे वो बैठ जाएगी जाके। देखिए, अभी तक बैठा नहीं है, ये हमारा ग्रुप अभी मैच कर गया। मैच करने के बाद वो आसानी से बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग आसानी से आप लोग भी इसे खोल कर क्लीन कर सकते हैं इजीली। अब हमें क्लच को क्लच की जो लीवर है उसे हम लोग को इस स्क्रू के ज़रिए लॉक कर लेनी है, ताकि वो अच्छी सी मोमेंट दे सके और इधर उधर वो लीवर मूव ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं इसी वीडियो में, पहले आर्मेचर कितना गंदा था और अभी हम लोगों ने क्लीन करने के बाद फुल अभी क्लीन हो चुका है ये। इसके वजह से ही इसमें साउंड आ रही थी, एक एबनॉर्मल तरह की साउंड आती थी स्टार्ट करने के टाइम, इसीलिए ना हम लोगों ने इस सेल को निकाल कर डिसमेंटल करके क्लीन कर रहे हैं। तो ये अभी
मैग्नेटिक फील्ड वाली हाउसिंग है जो आर्मेचर के ऊपर से आ जाएगी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसके वजह से हमारा आर्मेचर मूव होता है। तो अभी देखिए इसमें दो कार्बन ब्रशेस हैं, अभी हम लोग प्लंजर के ऊपर हम लोग को रिटेनर स्प्रिंग डाल लेनी है। देखिए ये उसकी स्प्रिंग की स्टॉपर है और ये हमारी रिटेनर स्प्रिंग है। ये डालने के बाद हम लोग सोलेनोइड को इसके ऊपर से डाल लेनी है। ये हमारा सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर हम लोग कुछ थोड़ा लुब्रिकेंट डाल देते हैं ताकि वो प्लंजर जो है आसानी से मूव कर सके और वो स्टक ना हो। तो चलिए इस सोलेनोइड को इसके अंदर डाल लेनी है। इस सोलेनोइड के अंदर भी कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक कॉइल है और वो प्लंजर है जो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए वो प्लंजर आगे और पीछे मूव करता है। हम लोगों ने ये कार्बन ब्रश को क्लीन कर लेनी है एमरी पेपर के जरिए। ये क्लीन करने के बाद इसकी जो होल्डिंग प्लेट है वो डाल देंगे। वो डालने के बाद ये कार्बन ब्रश जो है उसके अंदर पुश कर लेंगे। वहाँ पे पिन है, वो पिन को हटाने के बाद हम लोग आसानी से उसको पुश कर सकते हैं और वो पिन लॉक हो जाएगा उसके अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग उस प्लेट को डालते हैं और इस कार्बन ब्रश को लॉक कैसे करते हैं। तो देखिए हम लोग अभी ये प्लेट को डाल लिया है इसके अंदर। ये इधर उधर कहीं भी नहीं बैठेगा, ये अपना पोजीशन जो है इस उसी पोजीशन पे बैठेगा जहाँ पे इसकी ग्रुप बनी हुई है। देखिए हम लोगों ने पिन को पुल किया है और कार्बन ब्रश को उसके अंदर डाला और इसे लॉक कर दिया। पर फ्रेंड्स हमें इसमें एक ध्यान देनी है कि जो कार्बन ब्रश हम लोग पुश कर रहे हैं, ये कार्बन ब्रश के सामने में कुछ पॉइंट जो है वो खुली हुई है तो वो बॉडी में टच होने की चांस थोड़ा ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से सेल्फ जो है जल सकता है इन द फ्यूचर। सो हम लोग को अभी उस प्लेस में कुछ पेपर या कुछ प्रोटेक्शन डालनी होगी ताकि अगर वो कार्बन ब्रश आगे पीछे भी मूव हो तो हमारा बॉडी को टच ना हो। देखिए हम लोग यहाँ पे ग्रीस डाल लेंगे। ग्रीस डालने के बाद ये प्रोटेक्शन पेपर अभी हम लोग इसमें डाल लेंगे। देखिए अभी कैसे हम लोग इसे फिट करते हैं और ये प्रोटेक्शन पेपर हम लोग डाल रहे हैं ताकि वो मूव होकर वापस बॉडी में ना टच हो, नहीं तो ये स्टार्टर मोटर जल्दी ही फेलियर हो जाएगा। ये मैक्सिमम चांसेस होती है इसकी फेलियर होने की शॉर्ट सर्किट के वजह से, और जो मैक्सिमम इसमें प्रॉब्लम आती है वो है बेंटेक्स की जो ट्राई पिनियन है उसकी पिनियन जो है वो वॉश आउट हो जाने के बाद इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। उसमें दो तरह की पिनियन आती है, एक बेंड वाली है और एक स्ट्रेट वाली है, तो ये जल्दी ही वॉश आउट होने की चांस रहती है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम उसी में आती है और कुछ प्रॉब्लम सोलेनोइड की कॉइल में भी आती है, ये सोलेनोइड भी ख़राब होता है। और बहुत मैक्सिमम रेयर केस में जो है वो आर्मेचर जल जाता है जिसकी वजह से फुल आर्मेचर जो है सीज हो जाता है, ये बहुत रेयर केस है। ये फुल शॉर्ट सर्किट हैवी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होता है। अभी हम लोग को ये पीछे का कवर फुल अच्छी तरीके से टाइट कर लेनी है, प्रॉपर टाइट करनी है ताकि हमारा वो लूज ना हो, जिसके वजह से अगर प्ले हो जाए तो हमारा आर्मेचर स्ट्रक होने की चांस रह सकती है, इसलिए हमें अच्छी तरीके से इसे टाइट कर लेनी है। टाइट करने के बाद जो हमारी वायर की कनेक्शन है, वो जो केबल है वो सोलेनोइड की, वो उसमें कनेक्ट कर लेनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्टार्टर मोटर काम कैसे करता है और ये इसका वर्क कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे कि सोलेनोइड को भी हम लोग टाइट कर लेते हैं। देखिए ये सोलेनोइड को भी टाइट करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा ये
जो स्टार्टर मोटर की रीबिल्ड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, और आप उसे आसानी से देखकर कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह है स्टार्टर मोटर की कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।